पेट्रोल को 70 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गए और 8 साल में 35 रुपए बढ़ा के 105 रुपए कर दिया। दूध को 30 रुपए पहुंचने में 70 साल लग गए, इन्होंने 35 रुपए बढ़ा के उसे 65 रुपए पहुंचा दिया। जो लाइसेंस 250 रुपए में बनता था ना, आज वो 5500 रुपए में बन रहा है। जो स्टील की कीमत 3600 रुपए थी ना, आज 6500 रुपए। जो गैस के सिलेंडर को 70 साल लग गए 400 रुपए पहुंचने में, इन्होंने 1050 का कर दिया। जो एक्टिवा स्कूटी 60,000 की खरीदते थे ना, आज वो 95,000 की है। हर चीज में महंगाई बढ़ गई है। सिर्फ अडानी को फायदा हो रहा है, सिर्फ 208वें नंबर पे थे 2015 में और आज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी है। 50% रेल टिकट पे मिलने वाली छूट तक को खत्म कर दिया। अपने प्रचार प्रसार के लिए लाखों करोड़ों रुपए, बुजुर्गों को मिलने वाली छूट नहीं मिलनी चाहिए। और युवाओं के साथ कितना धोखा कर रहे हैं, दो सालों से एक भी भर्ती नहीं निकाली। 4 साल के ठेपे कर अग्निवीर बनने मजबूर किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में चीन की सेना हमारी सीमा में घुस चुकी है, सैटेलाइट से पिक्चर आ चुकी है। तो कहते हैं कि मोदी जी की सरकार है, कोई आंख उठा के नहीं देख सकता हमारे। कौन नहीं देख रहा, सब देख रहे हैं। अब तो ये जनता भी आंख उठा के देखने लगी। वो भी जैसे वो तानाशाही दिखाता था ना, वो भी राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को भड़काता था। और एक वक्त ऐसा आया था कि राष्ट्रवाद के नाम पर हिटलर का नाम लेने वाला पूरी जर्मनी में बंदा नहीं था। आसाराम बापू, बाबा रामदेव, इनके भी भक्त हुआ करते थे। थोड़ा धैर्य रखिए, मोदी जी का भी सब उतर जाएगा। और कहते हैं ना, झोला उठा के चला जाऊंगा, उनको देश बता देगा झोला उठा के भी नहीं जाने देंगे, झोला चेक करा जाएगा क्या लेकर जा रहे हैं। ये तो कहते थे मैं गरीब का बेटा हूँ, 10 लाख का सूट पहनते हैं, 8000 करोड़ का प्राइवेट जेट खरीदा है, कौन जवाब देगा।